हेलो स्टूडेंट, आज आपको साधारण ब्याज पर सेकेंड स्टेप बताएंगे, जो साधारण ब्याज पर गुणा पर आधारित सवाल जो सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे साधारण ब्याज गुणा पर आधारित, जैसे एन गुणा पर आधारित सवाल हो गया, या टी वन वर्ष में एन गुणा पर आधारित सवाल हो गया, टी टू वर्ष में एन टू गुणा पर आधारित सवाल हो गया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिल रहा है एग्जाम में, इसी टाइप के क्वेश्चन आज मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो या लाइक कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मेरे चैनल का नाम है आरके शॉर्ट एम ट्रिक। दोस्तों, आज गुणा पर आधारित सवाल देखते हैं, तो अधिकतर सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अधिकतर इस प्रकार के सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है। अधिकतर क्या पूछा जाए, अगर अपने का 2 गुना बोलेगा तो 2 गुना मतलब गुणी पर आधारित प्रश्न है, तो ये 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। देखते हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं, अगर अपने का 2 गुना पूछा जा रहा है तो गुणी -1 × 100 बटे समय। अगर किसके लिए पूछा गया है, दर के लिए पूछा गया है, तो हम ये फार्मूला अपनाएंगे। अगर समय के लिए पूछा जाता है तो इसको बस चेंज कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और दर को नीचे लाएंगे। अगर समय के लिए पूछा है तो, अगर समय के लिए पूछा जाए तो क्या करेंगे, गुणी -1 × 100 बटे, ये समय यहाँ पूछा गया है तो दर इधर नीचे आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक ऐसे भी अपना सकते हैं, जैसे अपने का 2 गुना पूछा गया है, अगर इसी की जगह 4 गुना रहता तो हमेशा 4 गुना बोल रहेगा तो 1 कम करना है। जैसे 2 गुना बोल रहे थे, 2 का 1 कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगर यहीं पर 5 गुना बोलता तो 5 में 1 कम कर देता तो 4 गुना हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर 10 गुना बोलता, 10 में 1 घटा देंगे तो 10 में 1 घटा देंगे 9 गुना हो जाता है। तो अधिकतर ऐसे पूछा जाता है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में क्या पूछ रहे, अपने का 2 गुना हो जाएगा, दर पूछा गया है यहाँ पर। तो दर का फार्मूला ये हो जाएगा गुणी पर आधारित प्रश्न के लिए, तो सॉल्व करते हैं। चलिए, चलिए एक बार फार्मूला में रख लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो हमारा फार्मूला रखते हैं, क्या पूछा गया, दर पूछा गया है, तो दर के लिए फार्मूला ये है, अपने का 2 गुना बोल रहा है, तो देखते हैं जैसे दर के लिए। दर के लिए पूछा गया तो 2 गुना 2 − 1 × 100 भाई कितना पूछा गया हमारे पास, समय कितना है 5 वर्ष के लिए समय है, तो ऐसे कर दे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 100 का 100 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का 5, 5 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अगर इसको काट रहे हैं तो 20 × 5 = 100, 20 बार में जाएगा ये, 20 को 1 से गुणा करेंगे, 20 × 1 = 20, यहाँ 20% हमारा दर निकल जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से अपने का 2 गुना बोल रहा है, हमेशा अगर गुना पर आधारित प्रश्न बोलेगा तो इसमें 1 कम कर देंगे, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 गुना बोल रहा है तो 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे कर लेंगे, 100 कितना परसेंट बोल रहा है, 5 वर्ष के लिए बोलेगा तो 5 ऐसे कर देंगे, इसको 20 बार में काटेंगे, 20 × 5 = 100, 20 आंसर यहीं आ जाएगा, 20 को 1 से गुना करें तो वही आंसर क्या आएगा, 20% आएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, आप लोगों को आज सवाल बनाने में मजा आ जाएगा। अगर आप लोग को सवाल नहीं समझ आएगा तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा, अगर समझ में आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल कैसे बनेगा। कोई धन है जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, फिर गुना पर आधारित बोल रहा है, कितने गुना, तो डायरेक्ट हम शॉर्ट कट ट्रिक मारते हैं, 3 गुना बोल रहा है मतलब 2 आ जाएगा सीधा डायरेक्ट, तो 2 गुना 100 करेंगे, 100 100 से गुना है तो करना चाहिए। क्या पूछ रहे, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में, क्या पूछे, समय निकालना है हमको, तो यहाँ से फिर कर देंगे, 5 से अगर इसको काटेंगे 20 बार हो जाएगा, 20 को 2 से गुणा करेंगे 46 वर्ष हो जाएगा हमारा। ये सबसे कॉन्सेप्ट है, देखते ही साथ आपको बन जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। क्या पूछा गया यहाँ पर, 3 गुना बोल रहा है, तो हमेशा क्या करना है, 3 गुना मतलब 3 में 1 ही कम करना है। अगर यहाँ जैसे कि अगर 5 गुना बोल देता, चलो 5 के लिए बनाते हैं, जैसे अगर 5 गुना बोलता, हमारे पास 5 गुना है,
पांच गुना पर आधारित सवाल हल कीजिए बोलता है ना, पांच गुना पर आधारित सवाल हल कीजिए बोलता तो पांच में कम कर देते तो क्या आ जाता, चार आ जाता। सौ से गुना तो करना ही है, हमारे पास कितना परसेंट ब्याज है, 5%। पांच इसको काट देंगे तो पांच 20 बार में जाएगा, 20 पंचे 20 को चार से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो कितने पर हमें समय पूछा गया था, यहाँ पर 80 वर्ष हो जाएगा हमारा। अगर यहीं पर दर पूछता तो कैसे बनाते हैं, दर के लिए देखते हैं। जैसे अगर यहीं पर जैसे कि आठ गुना बोल रहा है, आठ को कैसे कर देंगे, आठ का हो जाएगा सात, एक कम कर देंगे तो, और हमेशा सौ से गुना करते ही हैं। अगर यहाँ पर पाँच पूछा जाएगा पाँच ही करें, अगर यहीं पर दस पूछा जाता जैसे कोई जाना हमारे पास 10% तो 10 के लिए करते हैं, 10 के लिए पूछा जाएगा, 10 के लिए करेंगे 10 दाम 100, 10 के 70 जगह से 70 वर्ष हो जाता हमारा यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को अधिकतर मिलेगा और देखते ही आप आंसर लगा दोगे। दोस्तों इस वीडियो को आगे देखते रहिए, इतना आसान सवाल आप लोग को कोई नहीं बता पाएगा। देखते हैं अब टी वन पर आधारित सवाल जो गुना पर है ना। स्टेप थर्ड है हमारा, अगर टी वन वर्ष में एन गुना, टी टू वर्ष में एन गुना पर आधारित सवाल देख रहे हैं हम आगे देखेंगे। चलिए इसको एक बार समझा देता हूँ, फिर इस टाइप के क्वेश्चन हम यहीं पर बनाएंगे। टी वन वर्ष में एन गुना बोल रहा है, टी टू वर्ष में एन टू गुना बोल रहा है, तो फार्मूला हम बना के बता दे रहे हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, जैसे ये वाला रेलवे, एनटीपीसी, अदर्स एग्जाम या सीजी व्यापम में पूछा जा सकता है। तो इसके फार्मूला पर टी वन वर्ष एन गुना, हमेशा टी वन नीचे ही लिखेंगे, टी टू को इसके नीचे लिखेंगे। टी वन वर्ष में वर्ष वाला को सामने में लिखते हैं और गुना को इधर लिखते हैं, एन वन और एन टू। गुना पर आधारित प्रश्न, हमें सबसे पहले इधर बनाया ना सवाल, अगर गुना बोला जाएगा तो माइनस वन, एक कम करना ही है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे इस एग्जाम्पल के आधार पर हम एक क्वेश्चन जैसे बनाते हैं। अगर यही पूछ दिया गया टी वन वर्ष में एन गुना, उसी पर अगर हम क्वेश्चन हम बनाते हैं तो क्या पूछता है, जैसे कि 20 वर्ष में, 20 वर्ष में पूछा गया है, 20 वर्ष में, 20 वर्ष में सात गुना बोल रहा है, 20 वर्ष में सात गुनी हो जा रही है, 20 वर्ष में कितना गुना, सात गुनी हो जा रही है, तो कितने वर्षों में, यहाँ कितने वर्षों में, कितने वर्षों में हमारा एन टू गुना हो जाएगा। एन टू की जगह हम क्या रख देते हैं, जैसे कि 13 रख देते हैं, 13 गुना है ना। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, 20 वर्ष में एन गुना पर आधारित सवाल है, तो कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगी, तो यहाँ लिखते हैं हम 20 वर्ष है ना, 20 वर्ष में एन गुना, समय को हम इधर नीचे लिखते हैं, कितने में हमको पता नहीं है कितना है, तो टी टू है हमारा, इसको टी टू मान लेते हैं, ये टी वन है हमारा, इसको टी टू मान लेंगे, सात गुना और 13 गुना, तो सात गुना तो सात गुना माइनस वन कर देंगे, 13 है तो 13 माइनस वन कर देंगे, तो इसको एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, 13 में एक कम करेंगे 12 आ जाएगा, तो इसको फिर लंबा हो जाएगा गुणा करने में, तो इसको यहीं से काट देते हैं, 6 कम 6 दूनी 12, तो यहाँ से आ जाएगा 20 वर्ष बटे टी टू, 20 वर्ष बटे टी टू है, यहाँ 1/2 बचा है, 1/2 इधर से काटेंगे मतलब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन पर आप लोग को समझा देते हैं। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहे हैं, तो आप लोग को एकदम इजी सवाल आप लोग को समझ आ जाएगा, देखते ही आप आंसर लगा दोगे। देखिए कोई एक धन राशि है जो 20 वर्ष अपने का दो गुना हो जा रहा है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं है ना, कोई एक हमारे पास धन है, कोई धन है जो 20 वर्ष में, कोई हमारे पास एक धन है जो 20 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, दो गुना हो जा रहा है, तो वो पूछ रहा है कितने वर्षों में चार गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर पूछ रहे कितने वर्षों में चार गुना हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम अभी बना रहे हैं, इसको या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाएगा टी वन वर्ष में एन गुना, टी टू वर्ष में एन टू गुना, तो वही है यहाँ पर, कोई हमारे पास धन है जो 20 वर्ष में ए दो गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्षों में चार गुना हो जाएगा, इसको टी वन मान लेते हैं, समय मान लेते हैं, और कितने वर्ष हमको अभी पता नहीं है, तो यहाँ रख देते हैं टी वन बाई टी टू बराबर एन वन माइनस वन एन टू माइनस वन, मतलब एक कम करना है, जहाँ गुना बोल दिया मतलब कम करना ही है। तो शॉर्टकट ट्रिक में कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर 20 वर्ष है, डायरेक्ट इसको हम 20 लिख देते हैं, 20 लिखेंगे, और यहाँ कितना वर्ष है हमको पता नहीं है, एक समान लेते हैं इसको, चलो ठीक है एक समान लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से। और यहाँ पूछा है चार गुना, हमको पता ही नहीं है कि कितना करना है, कितने वर्ष में क्या लाना है, तो चार गुना है हमारे पास, चार गुना में इसको कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा,
दो गुना है दो में कम कर देंगे तो एक हो जाएगा, चार में तीन करेंगे तीन आ जाएगा। डायरेक्ट हम इसको ऐसे गुना कर सकते हैं तो बीस तीस कितना हो जाएगा, साठ आ जाएगा। साठ बराबर एक से, या एक्स को हम पी टू मान लेते हैं, तो कितने वर्ष में चार गुना जाएगा, तो साठ वर्ष में हमारा चार गुना हो जाएगा। इस टाइप के सवाल अधिकतर देखने को मिलेगा और देखते ही हम आंसर लगा देंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल का नाम है RK Short M Trick।